हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 मैथ्स का एक क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 13 में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा dx का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसे भी लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नीचे लिख देंगे बच्चों cos x माइनस cos अल्फा dx हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये cos x माइनस cos अल्फा dx होगा। देखो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। अब क्या करो, ऊपर में बच्चों फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा होगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब देखो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कैंसिल करेंगे, तो इसको आप सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दो, तो 2 कॉस एक्स डी एक्स और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फा डीएक्स। तो बच्चों यहाँ पे 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि कॉस अल्फा डीएक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, तो कॉस अल्फा बाहर कर लेंगे तो अंदर में सिर्फ डीएक्स बचेगा। ओके, फिर आपको क्या करना क्या है कि यहाँ पर 2 साइन एक्स रखेंगे और यहाँ पे 2 कॉस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा डीएक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 बाहर कर लो तो ये बच गया साइन एक्स और ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा। ओके, और इंटीग्रल कांस्टेंट हम लोग सी को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बच्चों कह रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय दिया है 1 प्लस साइन 2x और dx। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में आप एटीटीज रहने दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे में एक चीज ध्यान देने का कि 1 को आप कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। जब भी आपको ना 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मेट दिया हो ना, तो ये चीज याद रखना 1 को लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ दोनों, एक मैंने इसमें लगाया था कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक और फॉर्मूला मैंने 1 को क्या लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रहेगा और नीचे हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स लिखेंगे। अब क्या करो, आप नीचे वाला को मान लो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को जेड मानेंगे, तो कॉस एक्स का देखो जिसको मानते हैं उसका डिफरेंसिएशन करेंगे, ये हमने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड में पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। तो देखो कॉस एक्स का डिफरेंसिएशन क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स का डिफरेंसिएशन माइनस साइन एक्स होगा और साइन एक्स का डिफरेंसिएशन कॉस एक्स हो जाएगा बराबर डीजेड बाय डीएक्स। तो आप इसे लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीजेड, इसलिए हम लोग बच्चों आई बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर डीजेड लिखेंगे नीचे जेड स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो जेड स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओगे तो जेड पे पावर माइनस 2 डीजेड होगा और फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे जेड पे पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, तो जेड पे पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 इंटू 1 बाय जेड बराबर माइनस 1 बाय जेड, तो माइनस 1 अपॉन जेड, जेड का मान पुट कर दो बच्चों, हमने जेड को क्या मान रखा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और यहीं पर इंटीग्रल कॉन्स्टेंट आप सी को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बच्चों आई इज इक्वल टू टेन क्यू टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डीएक्स दिया है। हम लोग यहां पर क्या करते हैं टेन क्यू टू एक्स को
तोड़ देते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x और ये हो जाएगा dx। बच्चों हम 10 स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, sec 2x को z मान लेते हैं, लेट sec 2x बराबर z। ऐसा इसलिए हमने माना क्योंकि sec 2x की डिफरेंशिएशन जो होती है बच्चों 10 2x इंटू sec 2x हो जाएगा और फिर 2x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जब x करोगे तो sec 2x डिवाइडेड बाय देखो 2x होगा इंटू डी 2x बाय dx हो जाएगा और यहां पर क्या लिखोगे dz बाय dx। तो ये हो गया sec 2x इंटू 10 2x इंटू 2 बराबर dz बाय dx। तो आप इसको लिख सकते हो 2 को बाहर कर 2 को उधर ले जाएंगे, यहां पे लिख देते हैं sec 2x इंटू 10 2x dx बराबर dz बाय 2। ओके, अब यही चीज को हम यहां पर क्या करेंगे पुट करेंगे, देखो sec 10 2x इंटू sec 2x dx की जगह dz बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों z स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा dz बाय 2। ओके, तो अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो 1/2 जेड स्क्वायर dz होगा और माइनस 1/2 मल्ली dz लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 1/2 जेड स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे तो z में पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 और माइनस 1/2 z। तो देखो 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा ये z क्यूब माइनस 1/2 z, तो 1/6 देखो z क्यूब है तो z हम लोगों ने माना है sec 2x को, तो sec 2x का क्यू होगा माइनस 1/2 sec 2x। तो आप इसको लिख सकते हो 1/6 sec क्यू 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c। ठीक है, आप एक बार इसको यहां से ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि sec 2x को कॉमन ले लेंगे तो आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में बचेगा। ठीक है, तो भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं या फिर इसी फॉर्मेट में आप छोड़ सकते हो। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन 13, 14, 15 समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।